हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी 1.2 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप, इंग्लिश में बोलते हैं एरिया एंड पेरीमीटर। तो यहाँ पर एक सवाल है, एक खेत का लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप कितना होगा। समझ आ गया कि लंबाई है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर, तो उस खेत का क्षेत्रफल और परिमाप कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। लंबाई दे रखा है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 60 सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल निकालने का लंबाई गुने चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। तो लंबाई कितना है 40, गुने चौड़ाई कितना है 60, दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 2400 सेंटीमीटर। यहाँ स्क्वायर लगा देंगे तो खेत का क्षेत्रफल कितना आ गया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, एल से लंबाई, बी से चौड़ाई। तो 2 × लंबाई कितना है 40 प्लस चौड़ाई है 60, तो 2 × 40 + 60 100। अब दोनों गुना कर देंगे तो देखा 200 सेंटीमीटर। तो खेत का परिमाप कितना आ गया 200 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम खेत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं।